आगे समझ में, या किसान किसान बिरादरी है आंदोलन करने वालों की। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में चार बार उनके टिकट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी उसकी कीमत, देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पर बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण, उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है, उनका ये जोड़ते हुए कहना है। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीन में बर्बाद होगी, पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे, वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो MP है, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है, तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक MP पेंशन छोड़ दे उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को NDA से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का, ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है? नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा, वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है सर, उत्तराखंड में जो हुआ है क्या किसान वहाँ के लोगों की बिल्कुल मदद करेंगे? और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है, प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी। और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पे लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है, पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, हम चर्चा करना चाहते, हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, MSP पे कानून बनाओ, ठोस नीति MSP पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सब वो काला निकाल दे जो बचेगा, फिर देखेंगे, पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो हरियाणा आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे कि हमें उनकी चिंता है और हमें भी तो उनकी चिंता है भाई। पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6,000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो, उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे जगह उन किसानों का कर्जा माफ कर दो, पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। हम कह रहे हैं कि MSP है, उसके साथ में एक चीज और जोड़ देगा, MSP पे कानून बनेगा, कानून बनेगा, कानून बनना चाहिए, कानून बनेगा उस पर कानून, और 3 बिल वापसी होंगे। अब बात करेंगे।